हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। कैसे हो आप सब? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रिएक्शन वीडियो। तो अभी जस्ट रैंडमली सिलेक्ट कर रही थी कि किस पर रिएक्शन वीडियो बनाऊं, तो मैंने देखा सिद्धू बाजी के चैनल पर एक हफ्ते पहले एक सॉन्ग आया था रिएक्शन राउंड्स, और पता नहीं कैसे ही मुझसे मिस हो गया। और अभी मैंने देखा कि मैंने इसके ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई है। ऑफिशियल ऑडियो है, वीडियो अभी आया नहीं है, या फिर आ गया तो मुझे पता नहीं है। 18 नंबर पर फिलहाल ट्रेंड कर रहा है अभी भी ये सॉन्ग। तो चार पांच सॉन्ग आई थिंक ट्रेंडिंग पे सिद्धू पाजी के ही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए। आपकी जो आपने रिक्वेस्ट की है वो भी मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर बनाऊंगी। तो आप कमेंट करते रहिएगा, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से वीडियोस बनाऊंगी, आप जो रिक्वेस्ट करोगे वो भी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखने का। सिद्धू पाजी के सॉन्ग्स आए हैं, पहले इनको मैं कवर करना चाहती हूँ, और बाकी बातें बाद में करूंगी। पहले देख लेते हैं कि सॉन्ग कैसा है। मेरे को लगता है ये आगे से इतना अच्छा नहीं लगता जितना पीछे से लगेगा, है ना? गाना शुरू हो गया। जिंदगी जी तरक्की तो सारे करते, पर मैं कुछ वक्रे हिसाब नाल कीते। मेरी चढ़ी जवानी दा रौलिया दे नाल रहा आंकड़ा छत्ती दा, जद मुछसी पुटदी बापू ने मैनू लैके देता बत्ती दा। फिर जोशा विचों होश आया मेरा गौर वधी गया मसलिया ते, मेरी जो जो वधी तरक्की नी मेरा बोझ वधी गया असलिया ते, मेरी जो जो वधी तरक्की नी मेरा बोझ वधी गया असलिया ते। जंगे साडे इतिहास च संताली आओ क्रिकेट वांगू रंग बदल दे, देखे आ जिंदगी साली दा बैरी बन गए नेरे दे, तन्नू ले लिया मैं पनताली दा, ऐ कोल खड़े नू बख्शे ना चक सुटदा पंज फुट फस लिया ते। मेरी जों जों वधी तरक्की नी मेरा बोझ वधी गया असलिया ते, मेरी जों जों वधी तरक्की नी मेरा बोझ वधी गया असलिया ते। सराने दे अंबला बच्चे चन भी आवे ना, तू दुश्मन दशमन छट कुड़े सुपने बच्चे रन भी आवे ना, जो खैन अजे भी मूसे आले ना साकट ने उना बे अकलिया दे। मेरी जो जो बदी तरक्की नी मेरा बोझ बदी गया असलिया दे, मेरी जो जो बदी तरक्की नी मेरा बोझ बदी गया असलिया दे। सिद्धू मूसे आला Kid, baby.
वन मोर नेक्स्ट लेवल सॉन्ग, पता नहीं ये मुझसे कैसे मिस हो गया। वो तो आज मैं चैनल स्क्रॉल कर रही थी कि कोई न्यू सॉन्ग तो नहीं आया, बट मैं भी थोड़ी सी पागल नहीं हो गई हूँ, एक दो दिन पहले उनका नया सॉन्ग आके गया है और मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कि कोई नया सॉन्ग तो नहीं आया। मैंने थोड़ा सा पीछे गई तो मैंने देखा इस पर तो मैंने कोई रिएक्शन वीडियो बनाया ही नहीं है और मिस हो जाता मुझसे। चलो शुक्र है आज मैंने देख लिया। और सॉन्ग की बात करूं, जी हाँ सॉन्ग की बात करते हैं, सॉन्ग पे मैं आती हूँ। तो इसके अंदर जो सिंगर है वो तो हमारे सिद्धू पाजी है ही, साथ में इसके अंदर रैप किया है सिकंदर कहलोन ने। और आई डोंट नो, मैंने इनका रैप सुना होगा शायद, मैं यूं नहीं कहती मैंने नहीं सुना होगा, क्योंकि पंजाबी गाने तो मुझे बचपन से काफी पसंद है। जब मैं छोटी होती थी उस टाइम पे बब्बू मान जी, हरभजन मान जी, गुरदास मान जी, दलेर मेहंदी, तो काफी ज्यादा ये इनका दौर था, काफी पॉपुलर थे। दिल्ली में मैं रहती थी, वहां पे तो पंजाबी गाने शुरू से सुने जाते हैं, तो तब से मुझे पंजाबी गाने सुनने का शौक रहा है, तो तब से अभी तक सुनती आ रही हूँ। बट हाँ, मैंने कई और ट्रैक पे चली गई मैं, तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है मैंने सिकंदर कहलोन को भी सुना होगा, लेकिन कौन सा वो गाना होगा, क्या होगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो अभी इनके नाम के साथ ये सॉन्ग सुन रही हूँ, तो रैप सुन रही हूँ एक्चुअली में। तो कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने रैप किया इस सॉन्ग के अंदर, एक तो ना पंजाबी गाने जो है ना, उन्होंने जो रैप है ना वो किसी और लेवल पे ही ले गए हैं। जो पंजाबी सिंगर है ना वो पंजाबी में रैप करते हैं, हिंदी में रैप करते हैं और इतनी ब्यूटीफुली रैप करते हैं, बहुत मजा आ जाता है सुन के। और सिकंदर कहलोन का रैप बहुत ज्यादा जबरदस्त था। सिद्धू पाजी की बात करूंगी, एक्चुअली में रैप बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा, इसलिए रैप कर रही हूँ। सिद्धू पाजी तो नो डाउट। और अब बात करते हैं गाने की लिरिक्स की। लिरिक्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। सिद्धू पाजी की जो पहली लाइन होती है, अंसला पुला उन्होंने शायद से, अगर रॉन्ग नहीं हूं तो, कि जब तरक्की बढ़ती है तो कंधों पर बोझ भी बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है। हम किसी की तरक्की देख के ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि वो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, क्या मेहनत है। तो कहते हैं ना, जब तरक्की बढ़ती है तो कंधों पर बोझ भी काफी बढ़ जाता है, ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको पता होता है। गाना एक्चुअली में डांस वाला नहीं था, लेकिन मैं थिरक रही थी क्योंकि मुझे गाना वो वाला नहीं है, डीजे पे डांस करने वाला टाइप का गाना तो नहीं है, लेकिन जब हम गाड़ी में जाते हैं, एक्चुअली में मुझे गाड़ी में सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है एक्चुअली में। मेरे ब्लूपर्स आपको साथ साथ ही सुनने को मिलेंगे। तो मुझे सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है गाड़ी के अंदर, तो मैं रोमांटिक सॉन्ग लगाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि मुझे रोमांटिक सॉन्ग सुनने का काफी ज्यादा शौक है, बट मेरे हस्बैंड मुझे लगाने नहीं देते हैं, वो कहते कि फिर नींद आती है, रोमांटिक सॉन्ग सुनने से उनको नींद आती है, और गाड़ी चलाने के लिए आपको पता है फिर किस टाइप के सॉन्ग्स लगाने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में बजाने वाला स्पेशल सॉन्ग है ये वाला, रैक्स एंड राउंड्स वाला, कि अगर आप गाड़ी चलाते टाइम इसको सुनते हो तो आपको कभी भी नींद नहीं आने वाली है, बदन भी थिरकेगा और हाथ भी चलेंगे स्टेयरिंग पे। तो काफी ज्यादा अच्छा लगा सॉन्ग, नो डाउट। बीट थी, म्यूजिक था, दोनों चीजें थी और इसी ने गाने को ऑसम बनाया। तो आई होप आपकी रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।